साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा, ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी, ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त, आज उस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। तीन तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, दो तीन बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो तीन तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर तीन तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है,
लेकिन तीन तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा, यानी पूरा परिवार तीन तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है।